प्रदेश में लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं केंद्र की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी की। इसके चलते जयपुर शहर के परकोटा स्थित बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। आपको बता दें कि चांदपोल बाजार में करीब 70 दिन के बाद दुकानें खुली, तो वहीं लोग खरीदारी करने बाजारों में भी निकलने लगे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने लिया चांदपोल बाजार का जायजा। देश भर में लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सरकार ने इसे अनलॉक फर्स्ट नाम दिया है, यानी कि अब लॉकडाउन खोलने की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार इस बार काफ़ी राहत दी गई है। अभी हम खड़े हैं जयपुर के चांदपोल बाजार, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से सरकार की ओर से जो गाइडलाइन कल जारी की गई, जिस तरह की राहतें यहाँ पर दी गई है। जयपुर के परकोटे में ये क्षेत्र आता है चांदपोल का बाजार, जहाँ पर पिछले 70 दिनों से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन से कंटेनमेंट जोन में ये परकोटा क्षेत्र आता था, और परकोटे में चांदपोल बाजार भी पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन होने के चलते पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई थी। आज सरकार की ओर से राहत देने के बाद परकोटे चांदपोल बाजार में भी दुकानें खुली हैं। आप देख सकते हैं परकोटा के जो बाजार हैं उनमें आज चहल पहल शुरू हुई है। चांदपोल बाजार में भी सारी लगभग सभी दुकानें यहां पर खोल दी गई हैं, और जिस तरह से पहले सरकार की ओर से कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, इस बार अब वो जो रेड जोन और ऑरेंज ग्रीन जो जोन सिस्टम शुरू किया था उसको सरकार ने ख़त्म करके सिर्फ कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में विभाजित किया है। हालांकि अब दुकानें खुली हुई हैं, उनके साथ ही व्यापार भी शुरू हो गया है परकोटा क्षेत्र में। सर, आज पहली बार दुकान खुली है? हाँ, आज पहली बार खुली है। क्या ग्राहकी शुरू हुई है? नहीं, अभी तो आई है, अभी तो कोई ग्राहकी नहीं है। देखिए, सरकार की ओर से जो राहत दी गई है कुछ उनमें शर्तें भी रखी हैं। ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो या मास्क लगाना हो, सैनिटाइजेशन हो, सैनिटाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा है, मास्क तमाम जो यहाँ पर दुकान पे जो सेल्समैन है वो सभी लगाए हुए हैं मास्क भी। साथ ही कितना स्टाफ था और अब कितने लोग आ रहे हैं? पहले 10 जने थे, अब 4 जने आ रहे हैं। तो बिल्कुल है, पहले 10 जने थे और अभी 4 लोगों से ही यहाँ पर शुरुआत की है। तमाम कपड़े की दुकान हो या फुटवियर की दुकान हो, सभी को छूट दी गई है, सभी ने यहाँ पर दुकानें खोली हैं। आज पहली बार दुकान खोली है? आज पहली बार, 4-5 ग्राहक चला है सुबह से। आपको जो सरकार ने दिए, क्या-क्या फॉलो कर रहे हैं? फॉलो अभी ये बता दें, बस पूरा ग्राहकों को बिना मास्क की एंट्री नहीं कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं पहले ग्राहकों का, और जो भी निर्देश हैं सब पूरे ढंग से पालन कर रहे हैं। ग्राहक भी पूरी जो गाइडलाइन है उसकी पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क, पूरी एहतियात बरत रहा है। पूरी जो ग्राहक आते हैं और अगर मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं तो उनको आप एंट्री नहीं है बिल्कुल भी, उनकी एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना कर रहे हैं। साथ ही दुकानदारों का यह स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी ग्राहक अगर दुकान पर आता है और मास्क का प्रयोग नहीं करता है तो उसको दुकान में एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से दो छूट दी गई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है जनता से कि जो गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना की जाए। साथ ही जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा, लोगों को आदत डालनी होगी, सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर मास्क लगाना अनिवार्य रूप से हो, सरकार ने जो सुरक्षा संबंधी जो भी गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना करते हुए लोग अब राहत का फायदा भी उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।